हेलो एवरीवन आई होप आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम क्लासिकल पीरियड टू मॉडर्न पीरियड और ट्वेंटी सेंचुरी डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी क्रिटिसिजम एंड लिटरेरी थेरी द रोल ऑफ क्रिटिक एंड द रोल ऑफ क्रिटिसिजम तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं Literary criticism. What is literature? Literature, literature is writing at its best. मतलब, literature written text. So, literary criticism is actually the commentary on literature. It tries to judge, evaluate, comment, or interpret and even analyze it in depth to make it more appreciated and understood by its readers. मतलब लिटरेरी क्रिटिसिज्म का काम उस रिटर्न टेक्स्ट को उस लिटरेचर को जज करना उसका जायज़ा लेना उसकी वजाहत करना ये काम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का लिटरेरी क्रिटिसिज्म को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट इज़ एनालिसिस कंपैरिजन एवालुएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर लिटरेचर के किसी वर्क को इन डेप्थ जाकर एनालाइज करना उसका जायज़ा लेना उसके पीछे के मतलब को उसके फ्लॉज को उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ों को निकालना रीडर को बताना ये किसका काम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का सर so, सिंपली हम ये कहेंगे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक्चुअल में लिटरेचर पे होने वाले क्रिटिसिज्म को कहते हैं तो इसको देखते हुए हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टार्ट कैसे हुआ और किस किस तरह हर ऐज में राइटर्स ने इसको डिस्कस किया इसके ऊपर वर्क किया वो आज हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी थेरी वैसे तो बीसवीं सदी की पैदावार है लेकिन जब से रिटर्न टेक्स्ट वजूद में आया तब से क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एंशंट टाइम से मतलब क्लासिकल पीरियड से स्टार्ट करते हैं इमेजिनेटिव आर्ट वर्क को प्रेजेंट किया जाता था ओरल फॉर्म में लेकिन एंशियंट और क्लासिकल पीरियड में उस ओरल वर्क को कन्वर्ट किया गया रिटर्न फॉर्म में मतलब रिटर्न फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया और इस तरह से लिटरेरी क्रिटिसिज्म वजूद में आया लिटरेरी क्रिटिसिज्म के वजूद के साथ क्रिटिकल वॉइस स्टार्ट हुई जिन्होंने क्वेश्चन रेज करना शुरू किए अबाउट द वैल्यू ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट लिटरेरी टेक्स्ट की वैल्यू पर क्वेश्चन रेज करना शुरू किए और इस तरह से लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का स्टार्ट होता है पोइटिक्स से अरिस्टोटल का फेमस वर्क पोइटिक्स से जो कि पोइटरी को डिफ़ेंड करने के लिए लिखा गया प्लेटो ने अपने फेमस वर्क द रिपब्लिक के अंदर पोइटरी को बुरा भला कहा और कहा कि ये रीडर को गुमराह करती है जिस पर जिसको डिफेंड करते हुए अरिस्टोटल ने पोइटिक्स में कहा कि पोइट्री एक्चुअल में इमिटेशन है एंड इमिटेशन इज़ नॉट अ बैड थिंग तो so अरिस्टोटल ने पोइटिक्स लिखी और उसमें ड्रामा के लिए कुछ रूल्स मुतारफ़ करवाए जिनको हम आज तक पढ़ते हैं अरिस्टोटल के बाद हमारे पास फेमस क्लासिकल राइटर हैं लॉन्जाइनस जिन्होंने अपना फेमस वर्क लिखा ऑन द सबलाइन उसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया अबाउट द सबलिमिटी ऑफ आर्ट ही सेज इट इज़ बेटर टू क्रिएट वन ग्रेट वर्क दैन हंड्रेड वेस्ट लेस वर्कस तो उन्होंने अपने इस वर्क में सबलिमिटी को डिस्कस किया सब्लिमिटी ऑफ आर्ट क्लासिकल पीरियड के बाद हमारे पास है मिडल ऐज और मिडाइवल पीरियड मिडल ऐज के अंदर क्रिटिसिज्म सफ़र फ्राम द लॉस ऑफ नियरली ऑल द एनशियट क्रिटिकल टेक्ट जितने भी हमारे पास एनशियट टेक्स थे वो तकरीबन गुम हो गए थे इसलिए हमारे पास मिडल एज के अंदर कोई भी पर्टिकुलर या फेमस क्रिटिक और राइटर मौजूद नहीं है मेडाइवल पीरियड के बाद हमारे पास है रेनेसेंस पीरियड इट इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड यहाँ से मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है इट शोज इनोवेशंस इन लिटरेचर लिटरेचर के अंदर न्यू इनोवेशंस होने लगी न्यू डिस्कवरीज होने लगी सो रेनेसेंस क्रिटिसिज्म ग्रीव डायरेक्टली फ्राम द रिकवरी ऑफ क्लासिक टेक्स्ट्स जो क्लासिक टेक्स्ट थे एनशियट टेक्स्ट थे उनको रिकवर किया जाने लगा जिसमें नंबर वन पे था अरिस्टोटल्स पोइटिक्स जिसे ट्रांसलेट किया गया और उसके बाद उसे फॉलो किया जाने लगा बट रेनेसेंस क्रिटिसिज्म को हम जो मेन रोल है उसमें वो है सर फ़िलिप सिडनी का सर फ़िलिप सिडनी ने अपना फेमस वर्क लिखा डिफेंस ऑफ पोइसी दैट मार्क्स द एक्चुअल बिगनिंग ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड तो यहाँ से इंग्लैंड में एक्चुअल वे में लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टार्ट होता है दैट आर्ग्यूज़ द पोइट सुपेरियोरिटी टू फिलोसोफर तो उन्होंने अपने इस वर्क के अंदर एक्चुअल में पोइट की सुपीरियरिटी को डिस्कस किया है तो यहाँ से रेनेसेंस क्रिटिसिज्म स्टार्ट होता है सर फिलिप सिडनी से जो कि मेन रोल प्ले करते हैं रेनेसेंस पीरियड के बाद हमारे पास है न्यू क्लासिकल पीरियड अ पीरियड फुल ऑफ ट्रबल्स इस पीरियड के अंदर हम देखते हैं सिविल वॉर एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्टोरेट ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल तो इन सारी ट्रबल्स का इम्पैक्ट था उस द, उस एज के लिटरेचर पे। और एक और चीज़ थी इंग्लिश नेटिव ट्रेडिशन को चेंज कर दिया फ्रेंच ट्रेडिशन ने तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट था लिटरेचर के ऊपर इस एज के अंदर हम एक बैटल देखते हैं क्लासिस के दरमियान और मॉडर्नस के दरमियान क्लासिसिस्ट बिलीव इन फॉलोइंग एनशियट्स मतलब वो एनशियट्स को क्लासिक्स को फॉलो करना चाहते थे जबकि मॉडर्नस का बिलीव था कि हमें अपने से कुछ नई चीज़ को डिस्कवर करना चाहिए इन्वेंट करना चाहिए ना कि हमें क्लासिक्स को फॉलो करना चाहिए तो हम इस एज के अंदर एक बैटल देखते हैं दोनों के दरमियान इस एज की मेन क्रिटिकल वॉइस थी जॉन ड्राइडन ड्राइडन ने अपना फेमस वर्क लिखा एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी जो कि डायलॉग फॉर्म में था ड्राइडन ने इसके अंदर डिस्कस किया एंशियंट्स को एक गाइड्स के तौर पर दिखाया हमें उन्होंने कहा कि एंशियंट हमारे लिए गाइड्स होते हैं इसलिए उनको फॉलो करना इज़ अ गुड थिंग तो ये हम देखते हैं ही वॉज द मेन फोकस ही द मेन क्रिटिकल वॉइस ऑफ दिस पीरियड न्यू क्लासिकल पीरियड सेवनटीन सेंचुरी के बाद हमारे पास है एटीनथ सेंचुरी एक पुरसकून पीरियड था ये इट वॉज द पीरियड ऑफ क्वीन एन इस पीरियड के अंदर हम देखते हैं लिटरेचर के अंदर डिफरेंट डिवेलपमेंट्स लाइक पीरियडिकल जर्नलिज्म और लिटरेरी क्रिटिसिज्म एज अ यौनरा फुली डेवलप्ड हो गया था इस सेंचुरी के अंदर एटीनथ सेंचुरी के अंदर एंड लिटरेरी क्रिटिक बिकेम द मेन फिगर द मेन एम्फोसिस और द मेन फोकस ऑफ दिस पीरियड वॉज एक्चुअली रीज़न रूल्स एंड एंशेंट मॉडल्स मतलब उनका मेन फोकस था रीज़न पर लॉजिक पर रूल्स पर एंशंट मॉडल्स पर इस पीरियड के अंदर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में फर्स्ट हाफ को डोमिनेट किया अलेक्ज़ेंडर पॉप ने फर्स्ट हाफ़ के अंदर क्रिटिकल वॉइस थी अलेक्जेंडर पॉप की जबकि सेकेंड हाफ में हम देखते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को अलेक्जेंडर पॉप का फेमस वर्क है एसे ऑन क्रिटिसिज्म जिसके अंदर उन्होंने लिखा द रोल ऑफ क्रिटिक उन्होंने कहा कि क्रिटिक का रोल पोइट के रोल से ज़्यादा बेहतर है एंड देन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रॉड प्रेफर्स टू शेक्सपियर जिसके अंदर उन्होंने मेरिट्स और डी मेरिट्स को डिस्कस किया शेक्सपियर के मेरिट्स और डी मेरिट्स को तो इस एज के अंदर हम देखते हैं इस सेंचुरी के अंदर अलेक्जेंडर पॉप एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिन्होंने मेन रोल प्ले किया लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर न्यू क्लासिकल एज के बाद हमारे पास है रोमांटिक एज एन एज ऑफ सोशल टेक्नोलॉजिकल फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी रेवोल्यूशन ये एक रेवोल्यूशन की एज थी एन एज ऑफ न्यू डिवेलपमेंट इन म्यूजिक एंड पोइट्री म्यूजिक और पोइट्री के अंदर न्यू डिवेलपमेंट स्टार्ट हुई इस एज के अंदर एक्चुअल में रोमांटिक एज एक रिएक्शन था क्लासिसिज्म का और न्यू क्लासिसिज्म का और इस एज के अंदर एक न्यू इंटरेस्ट डिस्कवर हुआ लिटरेचर के अंदर तो एज के अंदर जो क्रिटिकल वॉइस थी या लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर जिन राइटर्स ने वर्क किया वो थे विलियम वर्ल्ड वर्थ एस टी कॉलरिज एंड पी बी शैली जो कि मेन फोकस था इस एज का विलियम वर्ल्ड वर्थ का फेमस वर्क है प्रेफर्स टू लिरिकल बैलेट्स जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया पोइट्री की और पोइट की इम्पोर्टेंस को उन्होंने कहा पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवर फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड पोइट इज़ द मैन टॉकिंग टू मैन तो उन्होंने एक्चुअल में पोइट्री और पोइट की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया अपने इस वर्क के अंदर रोमांटिक एज के फेमस फिलासोफ़ी थी ट्रांसेंडेंटलिज्म दैट वाज अबाउट इंटुशन स्पिरिचुअलिटी इसी बेसिस पे एस्टी टी कॉलरेज ने अपना वर्क लिखा बायोग्राफिया लिटरेरिया जिसके अंदर उन्होंने फैंसी एंड इमेजिनेशन को डिस्कस किया और इमेजिनेटिव वर्क को बेहतर करार दिया एस्टी टी कॉलरेज के बाद हमारे पास फेमस क्रिटिक हैं इस एज के जॉन कीट्स जिन्होंने अपने लेटर्स के अंदर इंपोर्टेंस ऑफ पोइट्री को डिस्कस किया उनका फेमस आइडिया था नेगेटिव कैपेबिलिटी उसके बाद है पी बी शैली शैली ने अपना फेमस वर्क लिखा डिफेंस ऑफ पोइट्री जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया दैट पोइट्री इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ फ़िलोसफी तो ये कुछ फेमस वर्क्स कुछ फेमस क्रिटिक्स हैं रोमांटिक एज के रोमांटिक पीरियड के बाद हमारे पास है विक्टोरियन पीरियड आ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन इन टर्म्स ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी इस पीरियड के अंदर रोमांटिक कंसेप्शन डोमिनेंट थी इस एज के अंदर क्रिटिसिज्म एक यूरोपियन प्रैक्टिस बन गया इन लिटरेरी एवेलोशन इस एज की मेजर डॉक्ट्राइंस थी रियलिज्म नेचुरलिज्म और बहुत सारी विक्टोरियन पीरियड में फेमस लिटरेरी क्रिटिकल फिगर हैं मैथ्यू आर्नल्ड क्रिटिकल वॉइस हैं ये इस पीरियड के जिन्होंने अपना फेमस वर्क लिखा द फंक्शन ऑफ़ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम और उन्होंने इसके अंदर रोल ऑफ क्रिटिक को डिस्कस किया क्रिटिक के रोल को डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा दैट क्रिटिक्स क्रिएट आइडियाज बाय एनालाइजिंग एंड डिस्कवरी बाय सीइंग ऑब्जेक्ट्स एज दे आर तो उन्होंने अपने इस वर्क के अंदर क्रिटिक के रोल को डिस्कस किया और लास्ट में हमारे पास है मॉडर्न एज मॉडर्न पीरियड और ट्वेंटी सेंचुरी द पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिटरेरी एक्टिविटी इन इंग्लैंड इस पीरियड के अंदर हम वर्ल्ड वॉर्स देखते हैं दैट चेंज द होल इन्वायरमेंट इस पीरियड के क्रिटिकल फिगर्स थे डब्ल्यू बी हीट्स एंड टी एस एलियट एलियट ने अपना फेमस वर्क लिखा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जिसके अंदर उन्होंने इम्पोर्टेंस दी हिस्ट्री को और कल्चर को और कहा दैट ग्रेट पोइट्स कैरी द पास्ट इन साइड दम तो ये था फेमस मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिकल वर्क जो हम देखते हैं मॉडर्न पीरियड के अंदर हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बाद हमारे पास है द रोल ऑफ क्रिटिक क्रिटिक कौन होता है और वो क्या रोल प्ले करता है क्रिटिसिज्म के अंदर क्रिटिक इज अ पर्सन हु कम्युनिकेट्स एन असेसमेंट एंड एन ओपिनियन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव वर्क्स सच एस आर्ट लिटरेचर म्यूजिक सिनेमा थिएटर फैशन आर्किटेक्चर एंड फूड क्रिटिक्स में ऑल्सो टेक एज देर सब्जेक्ट सोशल और गवर्नमेंट पॉलिसी तो क्रिटिक का मेन रोल क्या होता है असेस करना अपना ओपीनियन देना इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्कस लाइक मैथ्यू आर्नल्ड इन हिज फेमस वर्क द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिजम एट द प्रेजेंट टाइम

तो अपनी रेपूटेशन और असेसमेंट की वजह से उन्हें पब्लिकली फॉलो किया जाता है उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है तो ये है द रोल ऑफ क्रिटिक द रोल ऑफ क्रिटिक के बाद है द रोल ऑफ क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं हम क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है लिटरेचर को क्रिटिसिज्म कैन अक्कर इन एनी एरिया ऑफ द वर्ल्ड इन ह्यूमन लाइफ इंसानी जिंदगी के अंदर क्रिटिसिज्म हर जगह पर मौजूद है लेकिन क्रिटिसिज्म के सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं नंबर वन हु मेक्स द क्रिटिसिज्म कौन बनाता है क्रिटिसिज्म व्हाट द क्रिटिसिज्म इज अबाउट किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है एंड व्हाट और होम इट इज एम्ड एट और इस क्रिटिसिज्म का मकसद क्या है ये तीन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं क्रिटिसिज्म के क्रिटिसिज्म सिंपल किसी चीज़ के अंदर कोई गलती निकालने को हम क्रिटिसिज्म नहीं कहते ये कोई प्लॉट समरी या कोई बायोग्राफी नहीं है बल्कि क्रिटिसिज्म है आइडेंटिफाइंग व्हाट द ऑथर इज सेइंग, डिस्कवर हाउ पॉइंट्स आर बीइंग मेड एंड फिगर आउट द बीइंग मेड मतलब ये कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है उसको आइडेंटिफाई करना उसके ऊपर डिस्कशन करना उसकी वजाहत करना एंड इट एवेलुएट द डिवल्प्ड आइडियाज बेस्ड ऑन करंट थी एंड रिसर्च करंट थीरीज़ और रिसर्च बेस्ड एवेलुएशन ऑफ लिटरेचर को हम क्रिटिसिज्म कहते हैं इसके कुछ स्टेप्स होते हैं क्रिटिसिज्म के इसमें नंबर वन पे हम कहेंगे इंट्रोडक्शन जिस चीज़ को हम क्रिटिसाइज़ करने जा रहे हैं उसका तारुफ करवाना देन समरी ऑफ़ द आर्टिकल उसके बाद हम एनालिसिस एंड एवेलुएशन को रखेंगे कि हमने किस क्या क्या, क्या पॉइंट्स उसके अंदर निकाले और लास्ट में उसको कंक्लूड करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स हैं क्रिटिसिज्म के और हमारा लास्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थेरी इन दोनों में क्या डिफरेंस है लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ द स्टडी इवेलुएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर वाइल लिटरेरी थेरी इज़ द डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यूज्ड यूज टू इवेलुएट एंड इंटरप्रेट अ पर्टिकुलर वर्क लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिटरेरी थेरी इसको हम ऐसे कहेंगे कि हम किसी मशीन का जायजा ले रहे हैं उसके लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करेंगे तो लिटरेरी थेरी हमें वो टूल्स प्रोवाइड करती है उस मशीन का जायज़ा लेने के लिए और लिटरेरी के थेरी के अंदर कुछ मेजर स्कूल्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं लाइक फॉर्मलिज़म रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट कॉलोनीलिज़म साइको क्रिटिसिज्म मार्क्सिज्म तो ये कुछ थेरीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए हम क्रिटिसाइज़ करते हैं लिटरेरी टेक्स्ट को इन स्कूल्स को हम डिटेल में वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ख़ुदा हाफिज।